अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं राजमा। ये राजमा बहुत सिंपल है, इसे कोई भी ट्राई कर सकता है। जिन लोगों के सीने में जलन रहती है वो भी खा सकते हैं। मतलब ये मैं इसमें गरम मसाले का बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ, सिंपली राजमा बनाने वाली हूँ नॉर्मली बेसिक मसालों से जिससे बनता है। तो ठीक है, इसका सामान देखते हैं और बनाते हैं राजमा, आ जाइए। देखिए हमने राजमा ले लिया है, राजमा हमारा 200 ग्राम है। 200 ग्राम राजमे का सामान ले लिया है हमने। ले लिए हैं 2 छोटी प्याज ली है और 2 छोटे टमाटर हैं ये। और ये ले लिया है मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक लिया है स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा नमक हम इसमें भी डालेंगे राजमा उबालते टाइम पे, इसलिए पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा कम लिया है। हल्दी ली है 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच और लाल मिर्च ली है मैंने 2 चम्मच। और ये ले लिए थोड़ा सारा कोरिएंडर और ग्रीन चिली गार्निश करने के लिए। अब हम इसका इन चीज़ों का बना लेते हैं हम पेस्ट, इसकी प्यूरी बना लेंगे हम इसका ग्राइंडर के जार में डालकर, और इसको उबाल लेंगे। हमारा जो राजमा है हमने रात भर सोक करने के लिए रख दिया था, इसलिए अच्छी तरह से सोक हो चुका है। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा होता है। हमने इसे पूरी रात पानी में भिगो के रखा था, अब इसका पानी निकाल दिया है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं तो आप भिगो दें, अगर पूरी रात नहीं भिगो सकते हैं तो कम से कम 3 या 4 घंटे तो आप भिगो दें इसको, तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। तो ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुकर में। ये हमने 2.5 गिलास पानी ले लिया है, 2.5 गिलास पानी में हम अपना राजमा डाल रहे हैं। ये सारा राजमा इसमें चला जाएगा अच्छी तरह से। फिर ये हम इसमें लेंगे 3 सीटियाँ, 3 सीटी में हमारा राजमा अच्छी तरह से उबल जाएगा, क्योंकि हमने रात भर भिगो के रखा है। अगर आपने जल्दी 1-1.5 घंटा भिगोया हो तो आप जो है ज़्यादा टाइम ज़्यादा सीटी ले सकते हैं। ये 1/2 चम्मच नमक डालूंगी मैं इसमें, ठीक है, 1/2 चम्मच नमक गया इसमें। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें खाने वाला सोडा, जिससे ये गल जाएगा। ये हमारा खाने का सोडा 1/4 चम्मच। अब हम इसमें लगा देंगे इसकी लीड और इसको बॉईल कर लेंगे, और जो ये इनको मिक्सर में डाल के प्यूरी बना लेंगे हम। हम इन सबका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर में पानी छोड़ दिया है, टमाटर पानी छोड़ता है। ये हमारी प्याज चली गई इसमें। इस तरह सब चीज़ें हम एक साथ ही डाल लेंगे मसाले इसमें। ही हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये सारे मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है। और इधर हमने भगोने में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इधर देख सकते हैं, ये हमारा जो था हमने राजमा रखा था अभी तो खुला था, अब इसमें जो है ऑयल आ गया है, तो हम इसकी लीड लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे 3 सीटियाँ, क्योंकि हमारे इसमें सोडा भी पड़ा है और रात भर का हमारा भीगे हुए थे राजमा, ठीक है। अब हम इसमें जो है ये हमारा तेल ने धुआं दे दिया है अच्छी तरह से, देख सकते हैं धुआं दे रहा है, खूब अच्छा पक गया है तेल। अब हम इसमें जो अपना ये मसाला है ये ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से भून लिया है, मसाला भून चुका है आप देख सकते हैं। इसको मैंने 10 से 12 मिनट भूना है मीडियम फ्लेम पे। इसमें सारा ऑयल लीक कर दिया है, ये सब ऑयल ऊपर आ गया है हटके। तरह से आप भी खूब अच्छा मसाला भूनें, क्योंकि इसमें टमाटर था, टमाटर जल्दी से नहीं भूलता है। मैं मसाले को भूनने में टाइम लगा। कुछ लोग जो है इसमें खड़े मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं, तेज़पात, लौंग, इलायची, पर मैं नहीं डालती हूँ हर चीज़ में गरम मसाला। और इधर देख लेते हैं, हमने जो राजमा बॉइल किया था वो भी हमारा अच्छी तरह से बॉइल हो गया है। राजमा भी खूब अच्छा हो चुका है हमारा, गल गया है, अच्छी तरह से बन चुका है और राजमा भी गल चुका है। दिखा देते हैं आपको हमें ये राजमा लेके। देखिए खूब अच्छा गल गया है ये राजमा, इसमें हमने सोडा डाला था इसलिए, और वैसे भी ये पूरा नाइट सोक करके रख दिया था वाटर में। ये अब हमारा जो राजमा है अब इस मसाले में डालने के लिए तैयार है। हम थोड़ा पानी बचा के डालेंगे इसमें, मेरा एक्स्ट्रा पानी है तो हम वो निकाल लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ने पर ही डालेंगे उस पानी को, क्योंकि ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा पानी होगा इसके अंदर तो हम इसे डाल देते हैं इस मसाले में। हम इसको हल्के से चलाएंगे क्योंकि हमारा राजमा ज्यादा गल चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है देखिए, ये
थोड़ा सा इसमें पतला पतला चाहिए तो हम इसमें पानी डालें, नहीं तो हमें तो पानी नहीं डालें इसमें। हमें तो लग रहा है कि हमें थोड़ा पानी डालना चाहिए, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ही राजमे का डाल देते हैं। ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता है, इसे रोटी या चावल से किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। वैसे तो हम लोग चावल से ही खाते हैं क्योंकि चावल से अच्छा लगता है, राजमा चावल खाने में मज़ा ही आ जाता है। इसको ऊपर से जब प्लेट में सर्व करें तो उसमें देसी घी डाल लें तो ये उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी हम इसे पकने देते हैं 7 मिनट, 5 से 7 मिनट पकने देंगे तो इसमें जितना ऑयल है वो सब ऊपर आ जाएगा। देखिए ये अब हमने इसे पका लिया है 5 से 7 मिनट, इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। और जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्च काटी थी तो उसमें डाल देते हैं। पहले डाल रहे हैं हरी मिर्च, चम्मच से डाल रहे हैं क्योंकि हाथ पे मिर्च नहीं लगे। काट लिया हमने बारीक बारीक। और हम डालने वाले हैं अब धनिया। धनिया डालेंगे हाथों से अच्छी तरह से। अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं इसी तरह से आप सर्विंग बाउल में भी डाल सकते हैं धनिया। तो कितना अच्छा बना है, और सिंपली मसालों से, बिल्कुल सिंपल। इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, अगर किसी को गर्म मसाले नहीं खाने हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा। तो देखिए मैंने राजमा देखा आप कितना सिंपल तरीके से बनाया है, मैंने कोई गर्म मसाला यूज़ नहीं करा है, इसमें बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाया है। तो इसे आप घर पर ट्राई करें और बना सकते हैं ईजीली, बहुत झटपट बन जाता है। इसको बस भिगो के रख सकते हैं आप, और अगर भिगो भी नहीं पाए फुल नाइट तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दें तो ये जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसे जल्दी ट्राई करें अपने घर पर इस रेसिपी को मेरी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, और मेरे चैनल पर जा सकते पहली वीडियो देख सकते हैं। मैंने नॉनवेज भी बनाया काफी सारा, पास्ता वगैरह काफी सारी वीडियोस हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।